विश्वेशं सच्चिदानन्दं वन्देहं योखिलं जगत् चरीकर्ति बरीभर्ति सञ्जरीहर्ति लीलया सर्वेभ्यः नमस्करोमि अहमस्मि मन्थनभट्टः अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ आपको ये मैंने एक एलईडी लिया है लाइट एमिटिंग डायोड जिसमें पीएन जंक्शन डायोड है एंड ऑल द स्टफ आई यू मे बी नोइंग और अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको सिखाऊंगा जरूर सेमीकंडक्टर नामक चैप्टर में और ये एक बैटरी है 9 वोल्ट की इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली 9 वोल्ट का होगा अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर करें तो अभी देखो मैंने ये एक टर्मिनल जो है डायोड का वो ये क्या है भाई नेगेटिव पॉजिटिव है एक टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव से अटैच किया है और दूसरा टर्मिनल जो है वो नेगेटिव से अटैच किया है तो सामान्य सी बात है इसमें से करंट पास हो रहा है डायोड में से लेकिन जब मैं इसको उल्टा कर देता हूं मतलब अब क्या होगा डायोड का जो पी जंक्शन है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और डायोड का जो एन जंक्शन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और इसे कहते हैं रिवर्स बायस्ड और रिवर्स बायस में करंट नहीं मिलता डायोड का पी बैटरी के एन से डायोड का एन बैटरी के पी से तो जब ऐसा पी एन एन पी उल्टा कॉम्बिनेशन होता है तो उसे कहते हैं रिवर्स बायस पी किससे जुड़ा हुआ है नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और एन किससे जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो करंट पास होगा नहीं होगा क्योंकि वो क्या है रिवर्स बायस लेकिन अगर वापस घुमा के डायोड का पी जंक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी पी और डायोड का एन जंक्शन बैटरी के नेगेटिव से एन एन तो डेफिनेटली करंट पास होगा क्योंकि उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस जो भी बैरियर पोटेंशियल होता है उसे क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट होते हैं और हमें करंट मिलता है तो यहां पर पी जो पी जंक्शन है वो किससे जुड़ा है भाई पॉजिटिव से जुड़ा है और एन जंक्शन है वो किससे जुड़ा है नेगेटिव से जुड़ा है तो एक सामान्य सा कंसेप्ट बताना था कि फॉरवर्ड बायस में करंट पास होता है रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होता अभी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट आपको बताता हूं अभी देखो मेरे पास बैटरी नहीं है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है वो मेरे पास अभी नहीं है लेकिन मेरे पास एक मोटर है इलेक्ट्रिक मोटर है जिसके अंदर कॉइल है आजू बाजू मैग्नेट है उस मैग्नेट में कॉइल जब घूमेगा तो उस कॉइल में से फ्लक्स पास होगा और फ्लक्स चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा जैसा हमें फैराडे ने कहा था तो चेक करते हैं कि वो कैसा होगा देखिए यहां पर मैं एक टर्मिनल मोटर से लगाता हूं और दूसरा टर्मिनल भी जब मोटर से लगाऊंगा और फाइनली मैं क्या करूंगा उसे घुमाऊंगा तो ये कनेक्शन तो मैंने कर दिया है अभी एक बात ध्यान रखो मैं जब एक बाजू घुमाऊंगा तब उसमें से करंट पास होगा और दूसरी बाजू घुमाऊंगा तभी भी उसमें से करंट पास होगा कि नहीं वो आपको देखना है क्योंकि ईएमएफ तो दोनों केस में इंड्यूस होगा जब ऐसे घुमाएंगे तो भी उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा ऐसे घुमाएंगे तो भी उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बताता हूं अंदर कॉइल जो है वो ये एक्सल से या तो ये रॉड से जुड़ा हुआ है और इसको जब रोटेट करता हूं तो कॉइल रोटेट होता है आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल रोटेट होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में से चेंज होता है मिनिमम मैक्सिमम उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है लेकिन फॉरवर्ड बायस में करंट पास होता है रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होता जो जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो करंट पास होगा और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो करंट पास नहीं होगा देखिए करंट पास हो रहा है यस डेफिनेटली हो रहा है और आश्चर्य की बात है कि बैटरी नहीं करंट को हम जनरेट कर रहे हैं उत्पन्न कर रहे हैं दिस इज द वे जनरेटर वर्क्स हम क्या कर रहे हैं करंट को उत्पन्न कर रहे हैं करंट पास हो रहा है फॉरवर्ड बायस लेकिन ऐसे घुमाने पे अगर करंट आ रहा है तो ऐसे घुमाने पे करंट आएगा क्या नहीं आएगा ऐसे घुमाने पे करंट आएगा बिकॉज ये क्या है फॉरवर्ड बायस और ऐसे घुमाने पे करंट नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है रिवर्स बायस तो ऐसे ही मजा करते रहिए नई नई बातें जानते रहिए आप फिजिक्स पढ़ते रहिए मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा क्योंकि फिजिक्स हमारा फिजिक्स तुम्हारा नमस्कार अभी एक छोटा सा संदर्भ है वैशेषिक दर्शन का कारणाभावात कार्याभाव नतु कार्याभावात कारणाभाव के कारण के अभाव में कार्य का अभाव होगा इट मीन्स व्हेनेवर वी हैव एब्सेंस ऑफ कॉज
इफेक्ट का एब्सेंस होगा, जैसे फोर्स कॉज है, फोर्स कारण है, फोर्स का अभाव होगा तो एक्सेलरेशन का भी अभाव होगा। अगर अगर दूध से दही बनता है तो दूध का अभाव होगा तो दही का भी अभाव होगा, कारण का अभाव होगा तो कार्य का भी अभाव होगा। नतु कार्याभावात् कारणाभावः, लेकिन अगर इफेक्ट नहीं है इसका अर्थ ये नहीं कि कारण नहीं, अगर दही नहीं तो इसका अर्थ ये नहीं कि दूध नहीं, दूध है लेकिन हमने उसको दही में कन्वर्ट नहीं किया है, जो भी प्रोसेस होती है वो हमने की नहीं है। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स नहीं, फोर्स तो है लेकिन नेट एक्सेलरेशन बॉडी पे नहीं आ रहा। तो ऐसा ही एक कंसेप्ट है कि आप करंट से क्या मिल सकता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है, मतलब ये जो कारण है उससे क्या मिल सकता है, कार्य मिल सकता है, और वही कार्य से वापस आप कारण ले सकते हैं। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और आश्चर्यचकित करने वाली प्रोसेस है फिजिक्स की। और ये वैशेषिक दर्शन के दो सूत्र बहुत ही बढ़िया है जो फिजिक्स में भी काम आते हैं, कि अगर आपके पास दूध से आप दही बनाते हैं तो दही से आप वापस दूध नहीं बना सकते, कारण से एक बार जो कार्य बन जाता है वो इररिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन यहां पर अगर करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, तो बायोट सेवर्ट्स और हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने यह कंसेप्ट बताया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से भी वापस करंट मिलेगा, ये रिवर्स प्रोसेस में माइकल फैराडे ने बताई, मतलब कारण से कार्य और कार्य से कारण। ये थोड़ा सिलेबस का नहीं था हाँ, लेकिन फिजिक्स से जुड़ा हुआ था इसलिए आपको बताया। तो आप मजा करते रहिए, सर्वेभ्यः नमस्कारः।